बेटा कल हमने चैप्टर 17 की कुछ जो शुरू वाले जो भी टॉपिक्स थे, या आप कह लें कि शुरू के अंदर जो डेफिनेशंस या कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और आखिर में हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे और वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आज हम उसी सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आपके बुक के अंदर जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम वापस डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस तरह से डिफरेंट नज़र आता है डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। और आज ये भी हम देखेंगे कि जो किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है वो भी किस तरह से डिफरेंट नज़र आती है डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं बेटा। देखें आज हम बेटा एक ऐसे एग्जाम्पल का मकसद क्या होता है बेटा, तो वही चैप्टर है बेटा सेम जिसकी हमारे बुक के अंदर कहा गया है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अब इसके अंदर सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है बेटा कि अकॉर्डिंग गैलीलियो और न्यूटन टाइम इज कंसीडर्ड एब्सोल्यूट। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि गैलीलियो और न्यूटन के मुताबिक टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है। टाइम एब्सोल्यूट का मकसद क्या होता है, जिस तरह से बेटा हमने कल देखा कि एक ही चीज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो ऑब्जर्वर्स को मुख्तलिफ नजर आता है, जैसे मैंने कल बनाया था एक एग्जांपल लास्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट न होने का मतलब ये है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को डिफरेंट नजर आता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन टाइम के बारे में ये बात गैलीलियो और न्यूटन भी जानते थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या ये चीजें सिर्फ जो है वो आइंस्टाइन से शुरू नहीं होती, ये पहले से ही चीजें मौजूद थी, लेकिन इनको एक थ्योरी के अंदर या एक आप कह लें कि बाकायदे जो एक सक्सेस मिली वो आइंस्टाइन को मिली। तो ये चीज आइन न्यूटन और गैलीलियो भी जानते थे कि डिफरेंट चीजें डिफरेंट नजर आएंगी डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, लेकिन गैलीलियो और न्यूटन ये मानते थे कि जो टाइम होता है वो इस तरह से नजर नहीं आएगा, टाइम हमेशा एक नजर आएगा। आप टाइम को जब मेयर करोगे तो मेयरमेंट ऑफ टाइम इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि उसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेयर किया गया है। तो आप गैलीलियो और न्यूटन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये मानेंगे कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है, उसको आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मेयर करें वो हमेशा एक जैसा रहता है। टाइम की मेयरमेंट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बात फिलहाल ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ बेटा, जो आपके बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करें बेटा कि हमारे पास एक ट्रेन है बेटा, ये कॉमन एग्जांपल है बेटा, आपके बुक में भी इस्तेमाल किया गया है कि सपोज करें एक ट्रेन है या एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको कंसीडर कर ले बेटा कि ये ट्रेन है बेटा और ट्रेन जमीन के ऊपर खड़ी है बेटा, इस तरह से ट्रेन जमीन के ऊपर है बेटा। अब ट्रेन के ऊपर दो आप समझे ऑब्जर्वर्स हैं,
सॉरी, दो बंदे हैं बेटा, दो बंदे ट्रेन के ऊपर हैं और एक बंदा ट्रेन के नीचे जमीन पे खड़ा है बेटा। ये बेटा ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर दो बंदे खड़े हैं, ट्रेन के बिल्कुल एंड पे दो बंदे खड़े और एक बंदा जमीन पे खड़ा है बेटा। आप इनके नेम रख लें बेटा, कि ये आप कह लें कि ये हमारे पास ए है जो जमीन के ऊपर है, ये बी है जो ट्रेन के ऊपर है, और ये सी है बेटा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे बेटा तो ये बी और सी ये दोनों ट्रेन के ऊपर है और ए अर्थ के ऊपर है। तो आप कहोगे यहाँ पे भले आप लिख ले बेटा कि ए ऑब्जर्वर है बेटा और इसका फ्रेम जो है बेटा, इसका फ्रेम अर्थ है बेटा। ठीक है, और बी भी बेटा ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है और इसका जो फ्रेम है वो बेटा ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है बेटा, ए बी उसके ऊपर खड़ा है, तो आप कहोगे कि बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है और ए जो है वो अर्थ के ऊपर खड़ा है बेटा, तो ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? अर्थ है बेटा। ठीक, अब देखें एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बेटा, यहां पे ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है बेटा, ये ए और बी दोनों ऑब्जर्वर है और सी को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सी को कह लें ये इवेंट है, ये ए और बी दोनों किसको देख रहे हैं? सी को। बी और सी ट्रेन के ऊपर है और ए जो होता है बेटा ये अर्थ के ऊपर है। ठीक है, इसको पहले माइंड में बिठा लें कि इसका मकसद क्या है बेटा। ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर बिल्कुल एंड पे दो बंदे खड़े, एक बंदे का नेम ए है, एक बंदे का नेम बी है और दूसरा बंदा ट्रेन के उनके सामने ही जमीन पे खड़ा है। वो ट्रेन पे खड़े हैं और एक बंदा जमीन खड़ा, जमीन पे खड़े हुए बंदे का नेम जो है वो ए है। और आपको पता है कि जब ऑब्जर्वेशन दी जाती है तो उसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर ऑब्जर्वेशन कोई भी ए देगा तो हम कहेंगे ए ने जमीन के हिसाब से अपनी ऑब्जर्वेशन दी है क्योंकि वो जमीन के ऊपर है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जमीन है। और अगर बी कोई ऑब्जर्वेशन देगा तो हम कहेंगे कि बी ने वो ऑब्जर्वेशन ट्रेन के मुताबिक दी है और ट्रेन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन जमीन पे तो बात एक ही है, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी ट्रेन भी खड़ी है, अर्थ भी खड़ी है, ठीक है, और अर्थ को भी अभी हम रेस्ट में मानेंगे, ट्रेन को भी रेस्ट में मानेंगे, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वर्ड इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क होगा। इक्वल का मकसद है एग्जैक्टली एक जैसी, इक्विवेलेंट का मकसद है बराबर है, चीजें डिफरेंट है लेकिन एक सेंस के अंदर उनकी बराबरी है। जैसे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे आएगा बेटा। तो ए ऑब्जर्वर है जो जमीन पे खड़ा है, बी ऑब्जर्वर है जो ट्रेन के ऊपर खड़ा होता है बेटा। ठीक है, अब सपोज करें ये ट्रेन मूव करना शुरू कर देती है और ये ट्रेन बेटा मूव करती है, आप कह लें कि ये ट्रेन मूव करती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो सी है ये इसके ऊपर मूव करना करना शुरू कर देता है बेटा, इसको आप कह दे वेलोसिटी ऑफ द सी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर बेटा। ये ट्रेन बेटा इस तरह मूव करना शुरू करती है, ये बंदा ट्रेन के ऊपर भागना शुरू कर देता है, और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है ये बंदा भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। अब देखें ये ट्रेन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो ये ट्रेन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, मीन्स ट्रेन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये बंदा जो होता है बेटा ए ये कहाँ पे? अर्थ पे, तो अर्थ भी कौन सी है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अर्थ को हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रेस्ट मानते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि दो ऑब्जर्वर्स हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
ऑब्जर्वर ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अर्थ है, वो भी इनर्शियल है। ऑब्जर्वर बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप ये कह लें कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो है बेटा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ट्रेन की वेलोसिटी जो है बेटा, ये यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म से ट्रेन मूव कर रही है। तो अब आप कहोगे कि ट्रेन जो है ये जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो ट्रेन भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अर्थ कौन सी है, रेस्ट वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा। तो आप यहाँ पे ये चीज लिख ले बेटा कि इनर्शियल, ये इनर्शियल और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में बेटा, ये भी एक इनर्शियल है बेटा, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है बेटा। ठीक है, इसका ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है बेटा, और अर्थ कौन सा है, इनर्शियल भी है रेस्ट में बेटा, और बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है बेटा, मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म, तो इनर्शियल भी है और ये कौन सा है बेटा, मूविंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हुए और दो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पे हुए। एक ऑब्जर्वर ए जो अर्थ के ऊपर है वो भी इनर्शियल है, और एक ऑब्जर्वर बी जो ट्रेन के ऊपर है और ट्रेन भी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ट्रेन का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, इनर्शियल। ठीक है, तो आप कहोगे कि इन दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। अब दो ऑब्जर्वर्स हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं बेटा। ठीक है, अब आप कहेंगे बेटा के ऑब्जर्वेशन आफ्टर 5 मिनट्स बेटा, आप इसको इस तरह से कर ले बेटा, सपोज कर ले बेटा, ये आप कह ले बेटा कि ये इनिशियल पोजीशन है, आफ्टर 5 मिनट्स बेटा, देखिए बेटा मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूं आफ्टर 5 मिनट्स बेटा, देखिए बेटा ये इनिशियल पोजीशन है इनकी, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ऑब्जर्वर ए तो अपनी जगह पे खड़ा है बेटा, क्योंकि वो जमीन पे है तो उसको तो वहीं पे रहना है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर होता है बेटा, ये ऑब्जर्वर बी, क्योंकि ऑब्जर्वर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा बेटा, ऑब्जर्वर यहीं पे होगा, लेकिन ये सी मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, तो सी ने तो डिस्टेंस तय कर लिया बेटा, आप देखोगे बेटा ये बी है और ये सी है बेटा। ठीक है, अब ये ट्रेन बेटा आगे मूव कर रही है, तो थोड़े टाइम के बाद ये ट्रेन यहाँ पे आ गई और ये सी भी मूव कर रहा है, तो सी भी जो है वो बी से दूर आ गया, क्योंकि ये सी भी यहाँ पे मूव कर रहा है बेटा। अब मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं बेटा, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आफ्टर 5 मिनट्स बेटा, 5 मिनट्स के बाद हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि 5 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन कौन सी है बेटा। ठीक है, अब 5 मिनट के बाद बेटा हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं बेटा, पहला ऑब्जर्वेशन लेते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बी बेटा, बी ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ बी हम लेते हैं। अगर बी से हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि बी के मुताबिक सी ने कितना डिस्टेंस तय किया बेटा, तो बी के हिसाब से इसने तय किया ये बेटा, ये बेटा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी है बेटा, कि बी के हिसाब से सी ने इतना डिस्टेंस तय किया बेटा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि बी के हिसाब से सी ने इतना डिस्टेंस तय किया। अब आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सी
विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के हिसाब से सी ने कितना डिस्टेंस तय किया बेटा? आप ये करोगे बेटा कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, बेटा ये फार्मूला लगाओगे। ये फार्मूला क्यों लगाओगे? क्योंकि ये सी जो है ये मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर ये बी इस सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, क्योंकि सी किसमें जा रहा है, सी जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और ये जो सी है इसकी भी आप ये स्पीड अभी मान लें कि इसकी भी यूनिफॉर्म है बेटा, इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है, ट्रेन की भी यूनिफॉर्म है बेटा। लेकिन ये सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर बी इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा तो ये फॉर्मूला लगाएगा एस इज इक्वल टू बी इंटू टी बेटा, ठीक है। अब अगर इसका आप कैलकुलेट कर ले बेटा तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा इस तरह से, डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बी इनटू टाइम बेटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ द बी बेटा 10 किलोमीटर बेटा, आप इसको किलोमीटर कर दें बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर बेटा। हम टाइम किस में ले रहे हैं, मिनट्स में बेटा। तो ये आप कर लोगे 60 मिनट्स बेटा, इनटू आप करोगे बेटा 5 मिनट्स बेटा। इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं 1 2 बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी बेटा कितना हो जाएगा, 6/12 बेटा। इस तरह से होगा बेटा, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है बेटा 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 1/2। यदि कल तो आप कर सकते हैं बेटा कि ये 0.5 किलोमीटर बेटा, ठीक है, सही है बेटा। इस वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर है बेटा, 60 मिनट्स है, और टाइम कितना है बेटा 5 मिनट्स है, ठीक है। तो ये बेटा, सॉरी मैंने ये यहाँ पे बेटा मिस्टेक की है, ये बेटा आप इसको सही कर, ठीक है बेटा। ये होगा बेटा, आप इसको इस तरह से करेंगे कि ये बेटा डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10/12 बेटा। 10 होगा बेटा 5/6 बेटा, ठीक है। तो 5/6 हो जाएगा बेटा इस तरह से, ये आप इसको कर सकते हैं बेटा 0. कितना हो जाएगा बेटा 0.86 होगा, ये हो जाएगा बेटा 50, ये हो जाएगा बेटा 0.83 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी जो होगा बेटा, ये हो जाएगा 0.83 किलोमीटर बेटा, ठीक है। ये किसके हिसाब से बेटा, ये डिस्टेंस सी का है, और किसके हिसाब से, बी, बी के हिसाब से। अगर बी से इसका डिस्टेंस सी का पूछा जाएगा तो बी कहेगा कि इसने 5 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस तय किया है बेटा, इसने डिस्टेंस तय किया है 0.83 किलोमीटर। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं ए का बेटा, तो ये देख सकते हैं बेटा आप इसके अंदर, अगर आप ऑब्जर्वेशन लेंगे बेटा ए के हिसाब से, तो ये ए के हिसाब से इसका डिस्टेंस इतना हो जाता है, ये ए के हिसाब से इसका डिस्टेंस इतना हो जाता है बेटा। अब इसके अंदर दो दो डिस्टेंस आ जाते हैं बेटा, एक ये आ जाता है बेटा डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, और प्लस डिस्टेंस ऑफ द सी बेटा, दो डिस्टेंस आ जाते हैं इसके अंदर। इसके हिसाब से इसने इतना डिस्टेंस तय किया, इसमें इतना डिस्टेंस ट्रेन ने तय किया है, और इतना डिस्टेंस जो है ये बंदे ने तय किया। तो अब ऑब्जर्वेशन ले बेटा, ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन ऑफ ए बेटा, ठीक है। तो अब आप कहोगे बेटा कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए बेटा, ए के हिसाब से क्या होगा बेटा। अब देखिए बेटा, ये भी इक्वेशन वही लगाएगा बेटा, इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए बेटा, इसके अंदर दो डिस्टेंस आते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी बेटा, ये डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए है, ये ए के हिसाब से जो इसने तय किया है बेटा। देखिए अब ये हो गई आपके पास इक्वेशन बेटा, इक्वेशन कौन सी हो गई, टू, क्योंकि बेटा ए के हिसाब से ये ट्रेन ने भी डिस्टेंस तय किया है और फर्दर सी ट्रेन के ऊपर है तो उसने भी डिस्टेंस तय किया है बेटा। तो अब आप करोगे डिस्टेंस ऑफ द टी बेटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेटा। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर बेटा, मीन्स 60 मिनट बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेटा। टाइम कितना है हमारे पास बेटा, हमने ऑब्जर्वेशन के लिए है 5 मिनट बेटा, ठीक है। तो ये बेटा 60 में कैंसिल होगा, मिनट मिनट में कैंसिल होगा बेटा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर बेटा। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है 5 किलोमीटर, तो देयरफॉर आप कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस 0.83 किलोमीटर बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू होगा 5.83 किलोमीटर, ये आ जाएगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, ये देखें कि ये उसका भी अलग लिख लें बेटा, इसका भी अलग लिख लें, ये दो ऑब्जर्वेशन हैं बेटा, इसको भी अलग से लिख लें ताकि आपके ये माइंड में आए, डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी इज इक्वल टू 0.83 किलोमीटर है बेटा। तो ये आ गए हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन। वही चीज जो मैंने आपको कल बताई थी आपके बुक में इसी एग्जाम्पल के साथ कही गई है कि देखें यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो है बेटा। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या समझनी, बात कौन सी समझनी। देखें बेटा इस पूरी डिस्कशन में सिर्फ एक चीज समझनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है बेटा, एक ऑब्जर्वर ए अर्थ पे है और ऑब्जर्वर बी बेटा ट्रेन पे, ये एक बंदा सी मूव करता है और इस सी को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा। ऑब्जर्वर ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है अर्थ और वो रेस्ट में, ऑब्जर्वर बी का भी ट्रेन है जो मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी इनर्शियल है लेकिन वो मूविंग है। आफ्टर 5 मिनट्स बेटा ट्रेन मूव कर लेती है और ट्रेन के ऊपर सी मूव कर लेता है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन लेते हैं बेटा, बी ने क्या ऑब्जर्व किया और बी का ऑब्जर्वेशन किस बुनियाद पे, बी कहता है कि सी ने कितना डिस्टेंस तय किया है 0.83 किलोमीटर, कितने टाइम के अंदर, 5 मिनट के अंदर, लेकिन वो किसके हिसाब से इसने किया है, इसने जो अपना ऑब्जर्वेशन की बुनियाद बनाई है उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद ये ट्रेन है और ट्रेन जो है ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बी जो कुछ भी बता रहा है आप कहोगे वो सब कुछ ट्रेन के हिसाब से बता रहा है कि जो ट्रेन जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, बी कहता है वो ट्रेन जिस ट्रेन के ऊपर मैं खड़ा हूं उसके उस ट्रेन के ऊपर जो सी है उसने इतना डिस्टेंस तय किया 0.83 किलोमीटर, लेकिन ए क्या कहता है, ए कहता है कि जमीन के हिसाब से इतना किया क्योंकि वो ट्रेन के ऊपर है तो ट्रेन भी जा रही है ऊपर से वो खुद मूव कर रहा है तो ए के हिसाब से उसका डिस्टेंस बनता है 5.83 क्योंकि वो ए से 5.83 किलोमीटर दूर चला गया और बी से कितना दूर चला गया 0.83 किलोमीटर, दोनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है
दोनों की ऑब्जर्वेशन क्यों डिफरेंट है, इसलिए कि दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक ही चीज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंट नजर आएगा डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में बेटा। ठीक है, तो ये आप कहोगे बेटा कि आप इसको इस तरह से लिख लें बेटा के डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, ये हमने देखा बेटा कि यहाँ पे एक ही सी था उसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट नजर आया बेटा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर बेटा। देखिए बेटा, अब अगर ऑब्जर्वेशन हम ले बेटा, ऑब्जर्वेशन आफ्टर 1 आवर बेटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेलोसिटी बेटा, अगर वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें बेटा, ये तो हमने जो भी डिस्कस किया था ये किसका किया था बेटा, ये हमने डिस्कस किया था इसका बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट का। अगर वेलोसिटी की ऑब्जर्वेशन करें बेटा, तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा आफ्टर 1 आवर, ऑब्जर्वेशन आफ्टर 1 आवर बेटा, 1 घंटे के बाद। ठीक है, 1 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे बेटा, अब ये मैं एक पिक्चर लगाता हूँ, बार बार इसको बनाना थोड़ा मसला है। ठीक है, तो ये आप देख ले बेटा, 1 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी बेटा, वही सेम एग्जाम्पल, जस्ट ये यहाँ पे बना हुआ है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख ले बेटा कि ये आप कह ले बेटा कि ये ए है और ये हमारे पास बी है बेटा और ये सी है बेटा, और टाइम हमने कौन सा लिया है बेटा, टाइम हमने लिया है 1 आवर। अब अगर आप इस पे करोगे बेटा तो आफ्टर 1 आवर क्या होगा बेटा, ये बी है और ये बेटा सी है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि आप कहेंगे बेटा कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू बेटा 60 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं बेटा, और वेलोसिटी ऑफ द सी हम ले रहे हैं बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। आप कंपैरिजन भी ले सकते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ द सी इज इक्वल टू 1/10, सॉरी 1/6 बेटा, 1/6 वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद बेटा डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन जो होगा बेटा वो 60 किलोमीटर होगा, और डिस्टेंस ऑफ द सी जो होगा बेटा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर बेटा, विथ रेस्पेक्ट बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू मैंने नहीं लिखा, मैं विथ रेस्पेक्ट लिख देता हूँ। ये सिंपल चीज है, अब आप भी समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द ए, क्योंकि ट्रेन किसके हिसाब से मूव कर रही है, ए के हिसाब से, बी के हिसाब से तो मूव ही नहीं कर रही बेटा, 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस ऑफ द सी बेटा विथ रेस्पेक्ट टू द बी बेटा ये हो जाएगा 10 किलोमीटर बेटा, और डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द ए प्लस डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर है। ठीक है, वही सेम है बेटा, क्योंकि 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी 10 किलोमीटर होगा बेटा, और ये हो जाएगा इस तरह से बेटा।
ये हो जाएगा इस तरह से बेटा, यहां तक ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द ए, और ये होगा बेटा 60 किलोमीटर, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेटा उसी इक्वेशंस की बुनियाद पे 1 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन 60 किलोमीटर दूर चली जाएगी, और सी की स्पीड कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 10 किलोमीटर दूर चले। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है आफ्टर 1 आवर। अब अगर आप स्पीड निकालें बेटा, तो आप स्पीड के लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू द सी बेटा, ये होगा 10 किलोमीटर, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी बेटा, ये 1 आवर, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है बेटा। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू द, सॉरी बेटा वेलोसिटी ऑफ द सी, इसको लिखना याद करना इतना मुश्किल होता है बेटा, कि ये वेलोसिटी ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी, वेलोसिटी ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए बेटा, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर अपॉन 1 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ बेटा, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी हुआ, दोनों के लिए फार्मूला सेम हुआ। तो ये बेटा चीज आपको बताती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट नजर आएगा तो बेटा वेलोसिटी और स्पीड भी डिफरेंट नजर आएगी। तो आप कहोगे बेटा कि स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड कह लें और वेलोसिटी भी कह लें बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपीयर्स डिफरेंट इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बेटा, स्पीड और वेलोसिटी भी आपको डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन इन दोनों में जो आप देख सकते हैं जो कॉमन बात है बेटा, कि मैंने फार्मूला सेम लगाया है। ये रिजल्ट्स हम दो डिफरेंट फ्रेम्स की ले रहे हैं, एक हम रिजल्ट ए की ले रहे हैं जो अर्थ के हिसाब से ले रहे हैं, और जो दूसरी रिजल्ट हम ले रहे हैं बी की, वो हम ट्रेन के हिसाब से ले रहे हैं। दोनों फ्रेम्स डिफरेंट है, एक फ्रेम अर्थ है और दूसरा ट्रेन है, ट्रेन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अर्थ वाला रेस्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट नजर आया और डिफरेंट स्पीड नजर आई बेटा। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं दोनों ऑब्जर्वेशंस का बेटा, इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे बेटा, इसका कंक्लूजन सेम लिखेंगे जो एक बात तो मैं लिख के आया हूं बेटा। पहला कंक्लूजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अपीयर डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम्स बेटा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट की बेटा डिफरेंट नजर आती है। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं बेटा, लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन डिफरेंट इनर्शियल बेटा, इनर्शियल में सेम रहते हैं, नॉन इनर्शियल में सेम नहीं रहेंगे, रिमेन सेम इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, बट देयर रिजल्ट्स मे चेंज बेटा, जो होते बेटा ये जो फिजिक्स के फार्मूले होते हैं बेटा, देखें
ये बेटा सी की वेलोसिटी है बी के हिसाब से, ये सी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, दोनों में मैंने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है, एस अपॉन टी। दोनों के लिए फार्मूला सेम है बेटा, लेकिन एक के लिए रिजल्ट एक है और दूसरे के लिए रिजल्ट दूसरी है बेटा। यहाँ पे भी देख ले बेटा, यहाँ पे भी देख ले बेटा, मैंने इसके लिए भी एस इज इक्वल टू वी टी इस्तेमाल किया है, मैंने इसके लिए भी एस इज इक्वल टू वी टी इस्तेमाल किया। मैंने फार्मूले में फर्क नहीं किया है, फार्मूला दोनों के लिए, अगर ए फार्मूला यूज करेगा तो वही करेगा, बी फार्मूला वही यूज कर रहा है, तो फिजिक्स का लॉ सेम है, लेकिन उसकी रिजल्ट्स जो होती है वो चेंज होती है। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, कि अगर इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो फिजिक्स की जो रिजल्ट्स होती है वो उनके अंदर चेंज होती है, फिजिक्स के लॉस चेंज नहीं होते। कि जैसे न्यूटन का लॉ एफ इक्वल टू ए में जैसा वैलिड अर्थ के ऊपर है वैसा ही ट्रेन के अंदर भी होगा, अगर ट्रेन मूव कर रही विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर ट्रेन एक्सीलेट कर रही है तो वो ट्रेन एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी, तो एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉ सेम नहीं रहते। तो ये की पॉइंट है इसकी, कि फिजिक्स के लॉज जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट जो होते हैं बेटा सेम रहते हैं, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में, लेकिन फिजिक्स के लॉज जो होते हैं बेटा वो चेंज होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बेटा। तो ये इसकी बेटा इंपॉर्टेंट चीजें, और आप ये भी कह सकते हैं ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर इक्विवेलेंट फॉर डिस्क्रिप्शन, फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमिना बेटा। इक्विवेलेंट का मकसद क्या है बेटा, इक्विवेलेंट का मकसद है कि बेटा इक्विवेलेंट का मकसद है लॉ सेम रिजल्ट चेंज बेटा, लॉ सेम होता है रिजल्ट चेंज होती है। ठीक है, तो ये बेटा ये कॉन्सेप्ट बन रहा है किस चीज का, कि डिफरेंट चीजें डिफरेंट नजर आती हैं, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम। अब ये हमारे माइंड में एक होता है ना कि इस चीज का डिस्प्लेसमेंट मैंने ये मेयर किया है तो तुमने क्यों नहीं मेयर किया, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है यहाँ पे, कि हो सकता है मैंने किसी चीज का जो डिस्प्लेसमेंट मेयर किया है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक अलग हो और किसी और ने उसको मेयर किया है वो किसी और फ्रेम में मेयर किया हो, तो एक ही चीज के जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंट नजर आ सकता है, शर्त ये है के फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेम रेफरेंस पॉइंट से चेंज नजर नहीं आएगी, ये चेंज कब नजर आएगी जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होगे। तो आज बेटा यही पॉइंट है, कल इंशाल्लाह इसके आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ, बोल देता कि ये जो कुछ भी आज हमने पढ़ा इसकी सिर्फ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, कौन सी, कि जब हम किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मेयर करते तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक ही चीज का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिफरेंट नजर आती है डिफरेंट फ्रेम्स में, जैसे हमने कैलकुलेशन की, और जब बात आती है इनर्शियल फ्रेम्स की, जैसे हमने आज दो फ्रेम इस्तेमाल किए अर्थ और ट्रेन, दोनों इनर्शियल, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो भी इनर्शियल है, और अर्थ तो वैसे ही हम इनर्शियल मानते हैं उसको रेस्ट में मानते हैं, तो दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों इनर्शियल, उसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की रिजल्ट डिफरेंट नजर आई, लेकिन दोनों में फिजिक्स का लॉ एस इज इक्वल टू वी टी तब्दील नहीं हुआ। तो अगर हम डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो फिजिक्स के लॉज चेंज नहीं होते, उसकी रिजल्ट्स चेंज होती है। कल इंशाल्लाह इसकी दो तीन और भी बातें कल डिस्कस करेंगे, पेपर का टाइम।